Assalamu alaikum dear students, how are you doing? I'm here again. I'm Amara Rabbani from Divisional Public School and College Sahiwal, and I am here for the science lecture of class 5. We will continue our chapter Animal World. Here are our objectives. In previous lessons we have studied about mammals, reptiles and birds. All these are classes of vertebrates. And we will continue with the study of vertebrate classes. Here you can see the fish and the frogs. Both of them are beautiful animals which belong to the classes of amphibians and fish. Both of them are cold-blooded and they live in water. We will study more about them in this lesson. What are amphibians? Amphibians are vertebrate animals which live both in water and on land. Amphibians ऐसे animals हैं जो के पानी पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं. Amphi का मतलब है कोई ऐसे जो कि जो दो जगह पे रहने वालों को amphi कहते हैं. इसीलिए amphibians इनको कहते हैं, यानी कि दो जगहों पे ज़िंदगी गुजारते हैं. A half life ये जो है वो water में गुजारते हैं, half life on land गुजारते हैं. Here are some characteristics of amphibians. Of course, they are vertebrates, so they have backbone in their body. Reed ki haddi wale janwar hain, kyunki hum vertebrates ko hi discuss kar rahe hain aur vertebrate hamara topic hai, ye uski sub classes hain. Aaj hum chauthi aur panchvi class study kar rahe hain. They live both in water and on land. ये मैं जैसे मैंने पहले भी बताया, ये एम्फीबियंस इसलिए कहलाते हैं कि ये आधी ज़िंदगी पानी में और आधी ज़िंदगी लैंड पे गुजारते हैं. और इनके बहुत ही यूनिक किस्म के फीचर्स होते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये ठंडे खून वाले जानवर हैं. सो दे कैन नॉट एंड्योर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ये बढ़ते हुए या बदलते हुए टेम्परेचर्स जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. ना ही बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में ज़िंदा रह सकते हैं, ना ही ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर में ज़िंदा रह सकते हैं. जब भी टेम्परेचर कम हो जाता है तो इनका खून ठंडा हो जाता है, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, तो इनको फ़ौरन ही किसी गर्म जगह पर जाना पड़ता है. तो ये यूजली लैंड पे आते हैं. और जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, तो इनको किसी ठंडी जगह पे जाना पड़ता है, तो इस वजह से ये पानी में जाते हैं. दे ले सॉफ्ट एग्स विद नो हार्ड शेल्स, इनके एग्स जो हैं ये पानी में देते हैं और फीमेल्स इनकी जो पानी में अंडे देने के लिए आती हैं, और अंडे चूंकि पानी में देते हैं इसलिए उनके गिर्द हार्ड शेल्स नहीं होते, वो बहुत ही सॉफ्ट जेली लाइक एग्स देते हैं ये. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स वेन दे आर ऑन लैंड एंड थ्रू स्किन वेन अंडर वाटर, ये जब पानी में होते हैं तो ये अपनी स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं, और जब ये ज़मीन के ऊपर होते हैं तो ये अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं. इनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट और स्लाइमी होती है, इस वजह से उसमें से ऑक्सीजन बड़ी आराम से अंदर बॉडी में चली जाती है. Here you can see some examples. These are frogs, toad, salamander. ये तीनों जो हैं ये बिलोंग करते हैं एम्फीबियंस की क्लास से, और इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो बड़ी तेज़ी से कम हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जो इनके लिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड हैं और इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं आस्ते आस्ते मरती जा रही हैं. नाउ फिश, everyone knows about the fish. Fish are vertebrate animals which live exclusively in water and have gills and fins. ये exclusively water में रहते हैं, ये land पे आ ही नहीं सकते. उसकी वजह ये है कि ये ज़मीन पर सांस नहीं ले पाते, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जबकि पानी के अंदर जब ये रहते हैं तो इनके पास सिस्टम है ऑक्सीजन फिल्टर करने का, जो कि ज़मीन के ऊपर काम नहीं आता है. ये देखें, ये इनके फिन्स होते हैं, इनको फिन्स कहते हैं, ये तैरने में मदद देते हैं, और इनके गिल्स होते हैं, गिल्स जो हैं वो इनको मदद देते हैं पानी के अंदर सांस लेने में. सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश, दे आर वर्टिब्रेट्स सो दे हैव अ बैकबोन इन देयर बॉडी, वही वर्टिब्रेट की क्लासेस हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं ये सारे के सारे. दे आर कोल्ड ब्लडेड सो दे कैन नॉट एंड्योर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, और ये कोल्ड ब्लडेड हैं, ये भी एक्सट्रीम टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ये यूजुअली पानी में रहते हैं और पानी की बहुत ही यूनिक एक खासियत है, पानी देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है.
इसकी वजह से इनको ज़्यादा ख़तरा नहीं होता क्योंकि इन्होंने तो बाहर आना ही नहीं होता, इसलिए पानी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है। दे ले सॉफ्ट एग्स विद नो हार्ड शेल्स, और ये भी अंडे देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनके गिल कोई हार्ड शेल्स नहीं होते। दे हैव गिल्स टू ब्रीद इन वाटर, इनके गिल्स होते हैं जिससे ये सांस लेते हैं पानी के अंदर। दे हैव फिन्स विच हेल्प देम टू स्विम, और तैरने के लिए इनके पास खास अल्लाह ताला ने एक फीचर दिया है जिसको हम फिन्स कहते हैं, जिसकी मदद से ये तैरते हैं। एंड दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, और इनकी बॉडी के ऊपर बड़ी ही हार्ड किस्म के स्केल्स होते हैं, यू कैन सी ओवर हेयर। और इनके ये यहाँ पे इनके गिल्स होते हैं जिनकी मदद से ये सांस लेते हैं। ये फिश की डिफरेंट स्पीशीज आपको नजर आएंगी यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। ये पानी के अंदर ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये बिल्कुल खुश्की के ऊपर नहीं आ सकते अपनी गिल्स की वजह से, क्योंकि इनके पास लंग्स नहीं होते। अगर ज़मीन पर रहना है किसी भी जानवर में ने तो उसको सांस लेने के लिए लंग्स की ज़रूरत है, जबकि इनके पास गिल्स होते हैं, इसलिए ये पानी के अंदर ही रहते हैं। इसी तरह ज़मीन पे जो जानवर रहते हैं अगर उन्होंने पानी के अंदर रहना है तो उनके पास भी गिल्स जैसी चीज़ होनी चाहिए जो कि ऑक्सीजन को फिल्टर कर सके। इट इज़ टाइम फॉर आवर होम असाइनमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिश एंड एम्फीबियंस आर डैश सो हैव लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। फिश एंड एम्फीबियंस डू नॉट शो एनी डैश। Both groups lay dash eggs. Fish have dash which help them to swim. Amphibians can breathe through dash when are underwater. Here are the answers. Both fish and amphibians are cold-blooded, so have low rate of metabolism. Fish and amphibians do not show any parental care. Both groups lay many eggs. Fish have fins which help them to swim. Amphibians can breathe through skin when are underwater. Here is your homework. Write 5 characteristics of fish and amphibians in your notebook. Write your homework in a very neat handwriting. Thank you.